नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेखर जोशी ब्लॉग्स में। हम लोग आ गए अपने घर हल्द्वानी में और नाश्ता कर रहे हैं। भूमिका भी उठ गई है और इत्तेफाक से ना आज भूमिका की छुट्टी है। मैं सोचती थी आज थकी है कैसे जाएगी, इसकी मैसेज में देखा तो उसकी छुट्टी है। और आज हम एक काम और करने वाले हैं, मैंने ठाकुर जी का सिंहासन लगा दिया है वो वृंदावन से जो मैं लेके आई थी, अब हम उसको उसमें ठाकुर जी बिठा लेंगे। आज दिखा ये वृंदावन से ठाकुर जी का सिंहासन आया है। तो यहाँ पर हो रही है अनबॉक्सिंग। दिल्ली से मामी ने क्या क्या रखा है, गिफ्ट पैक कर दिया। दिल्ली से मामी ने क्या क्या गिफ्ट पैक रखा है उसकी अनबॉक्सिंग हो रही है। अरे बाप रे, ये तो तेरे काम की चीज। क्या हुआ? बैग, ये ले बैग। फटा गया। ये गिफ्ट दिया है मामी ने, वही मेरा। ये दीप्ति मामी ने दिया है। ये दीप्ति मामी ने दिया है। ये मेरे लिए तो हो गया यार। आपके लिए हो के कुछ। अभी इसमें तो कुछ हो गया है, इसमें तो हो गया। तुझे ऑलरेडी मामी ने पाउच दे दिया था ना, वो वाला। इनके अंदर भी है अभी। हैं? अरे बाप रे, कितने गिफ्ट हैं देखो। अभी ये तो इसमें तो है, हाँ हो गया। अगर ये मामी देखेगी ना, वो कहेंगी हे भगवान मैंने लच्चे अगले। वो क्या है? ये भी भूमि का गया। इसमें तो देखो, इसमें मुझे लग रहा है एक कुछ तुम्हारे लिए, कुछ उनके लिए, उसके लिए। ये तो मेरा है आई शैडो पैलेट, ये इसका ब्लश का पैलेट है, ये तो मेरा है, इसका। तो गाइस फाइनली इतने सारे गिफ्टों के बाद मुझे मिला है ब्लश का पैलेट। वैसे मामी ने मुझे बहुत सारी चीजें दी थी वहीं, लेकिन मेरे लिए है ब्लश का पैलेट। तेरे मेरे तो ये है एक, ये नहीं है, ये अभी मैं दिखाऊंगी इसको। ये है एक, ये दो, ये तीन। यार पार्टी में मिले मस्त आ गए तो। ये चार बाकी सब इसका। अब मैं दिखा रही हूँ नीलम भाभी वाला, ये इन्होंने मुझे इतना बड़ा तो पर्स दिया है जारा का। और इसके अंदर देखते हैं क्या है। वाओ, कितना तुम लोगे तो मजे हो गए यार। वाओ, ये इयररिंग्स के कितने प्यारे नक्शे देख इसके। ये देखिए तो और भी कड़े भी हैं यार। अरे गजब। तो थैंक यू सो मच बोल। थैंक यू सो मच दीप्ति मामी और बहुत सारा प्यार आपको। और आपको गिफ्ट कैसे लगे बता दो मामी को। बहुत अच्छे लगे मामा। तेरे को? मेरे को भी बहुत अच्छा लगा अपना ब्लश पैलेट। तो मोस्टली गिफ्ट दीप्ति भाभी ने मतलब भूमिका के लिए रखे हैं। और रियल में इसके सारे यूजफुल हैं। इसका बैग भी खराब हो गया था शायद, मामी को इंट्यूशन हो गया होगा। और नीलम को भी बहुत बहुत थैंक यू, उसने मेरे को इतना सुंदर गिफ्ट दिया है। तो बहुत अच्छा लगा तुम सब लोगों से मिल के हमें, और ऐसा प्यार सब लोग बनाए रखना, और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों शुरू हो चुका है भूमिका का स्कूल, और भूमिका ने ना नए बैग पे कांड कर दिया। देखो ये सबसे पहले दिया था इसकी, ये भूमिका की राइटिंग देखो नर्सरी में पढ़ रही है अभी ये, और पूरा पूरी सही है। हाँ, और उठ के देखो पूरी दिल्ली की ट्रिप करके कितना मस्त। ये
तो दोस्तों आज पेपर है हमारे भूमिका का, फर्स्ट पेपर है भूमि बेटा, बेस्ट ऑफ लक। तो दोस्तों हमारे घर में आया है पोछा, मेरे जेठ जी लेके आए हैं, तो हम इसको ट्राई करते हैं आज ऐसे करके। ये बधाई हो भाई तुमको, और अभी भाभी आनी है, हमारी भाभी को भी बधाई। भाभी के लिए भी हमारे होली का गिफ्ट आ गया, ये अभी आई नहीं है, आएंगी तो उनको सरप्राइज मिलेगा। ये सरप्राइज भी नहीं, वैसे ब्लॉग देख लेंगे वो तो पहले ही। तो बाबूजी हमारे घूम रहे हैं किचन का, बीच बीच में सर्वेक्षण करते रहते हैं वो। और हमारी ईजा क्या कर रही है? ईजा मलत 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 बर्तन लाल भाई। हेलो भाई, मलत मलत नैना लाल भाई, नैना लाल भाई, किसने डालो नयन में गुलाल, हाँ किसने डालो नयन में गुलाल, मैं जो गई थी पनिया भरन मुँह पर। गड़बड़ी गई। हाय तो गाइस, आज हम लोग मिल रहे हैं बहुत टाइम बाद, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है इससे मिलके, क्या बताऊं, बहुत मजा आ गया भाई। मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है इससे मिलके, इतने दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत जल्दी फरार हो गई थी और मैं पूरे घर में बोर हो रही थी इतने टाइम से इससे मिले बिना। चल हमारा इमोशनल सीन हो गया। तो गाइस अभी हम लोग साड़ी पहन रहे हैं क्योंकि यही होता है हमारा, हम जब भी मिलते साड़ी पहनते हैं मस्त, मतलब आज पहली बार पहनेंगे। तो दोस्तों ये देखो, पैसा कमाने के लिए आदमी किस हद तक गुजर जाता है ये दिखता है। देखो हम क्या रखते हैं नंबर प्लेट के ऊपर, हाँ इन्होंने तो पत्थर रखा, ये पत्थर रखा है दोस्तों, इतना बड़ा पत्थर है इसके अंदर, इसका वेट बढ़ाने के लिए इसमें शायद बहुत सारे पत्थर डाले होंगे, तो एक पत्थर हमारे इतने इसमें भी आया है, बाबूजी लेके आए थे अमचूर लेके आए थे यार। हाँ, ये तो बताओ ये अमचूर है, अमचूर के वो है ये सुखाए वाले, मतलब आम को सुखा के जो बनता है वो है ये, इसके डंडे हैं आम के, तो ये इससे चटनी बनती है। इसको मैं चटनी बनाने के लिए इसमें भिगो रही थी तो इतना बड़ा पत्थर मिला मुझे इसके, ये देखो ये इसी कलर का बना के, और वो अमचूर कलर, अबे देखो ये ऐसा हो गया, ये बताओ अब क्या क्या करें यार, ऐसे वेट बढ़ा करके पैसे खा रहे हैं, क्या मतलब को रील वील बना रहे हैं? हाँ। बेटा बनाओ 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 भाई, किसी को पागल मत बनाना भाई, कुछ भी बना लो ठीक है बेटा, ओके। तो आज लंच में है राजमा चावल, मेरा फेवरेट, और किस किस का है? भूमिका तो नहीं है, भूमिका का होता तो खाती, ये खाली पानी पीते रहती है वैसे। भाई भाई बताओ छुट्टियां किसकी चल रही है और बर्तन कौन मलेगा? हाँ, और झाड़ू कौन लगाएगा खाके? झाड़ू कौन लगाता है सबसे अच्छा? वाह, आराम कौन करेगा? आराम कौन करेगा? ओ बाप रे, ये देखो ये, अरे सेवा, अरे और खा रही हो? इतनी भी सेवा मत कर। खाना खाके दोनों चुकंदर ये लगे हुए हैं, देख रहे हो ये हमारे चुकंदरों को देखो, ये चुकंदर को तो देखो, ये तूने कुत्ते को कैसे भगाया, तूने कुत्ते को कैसे भगाया, डॉगी को कैसे? कैसे कुत्ता डर गया था? कुत्ता डर गया था तुझे देख के? गुड्डू और मैं उसके पीछे भागे, सीधा भागा है। अच्छा, तो मतलब आपके लिए चीज लानी हुई? हाँ। जैसे चीज में क्या लाएं, एक थप्पड़ चलेगा? तो दोस्तों हम निकल चले हैं वॉक करने दो जने लाठी लेकर के। तो दोस्तों दिल्ली की मौज के बाद आज बहुत टाइम के बाद घर की मौज शुरू हो चुकी है। आज बन रही है मैगी और लक्षा बना रही है मैगी। ये क्या कर रहे हैं हमारे छोटे बाबा, क्या खा रहे हैं दिखाओ? भूटा प्रसाद। ये भूटा प्रसाद ले, गाइस को खिला दे, बहुत हो गया गाइस ने खा लिया।
चल बेटा फोन को साइड रखो, हनुमान चालीसा। चलो खान साहब उस्ताद साइड हो जाओ थोड़ी। बिस्मिल्लाह अलीबुल्ला बली खान। चलो 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 साइड हो जाओ। हाँ चलो ऐसे दिल्ली ज्ञान जय कपीस हम जहाँ जहाँ गए थे सबको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा याद आ रही है सब लोगों की। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में नई उमंग नई तरंग के साथ। तब तक के लिए बाय। राधे राधे। गुड नाइट गाइस। राधे राधे। गुड नाइट गाइस। राधे राधे। तो दोस्तों ऐसा रहा आज का दिन और रियल में हम हमारी जो दिल्ली की यात्रा थी, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबने जो है हमें बहुत प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब इतना अच्छा रहा हम बता नहीं सकते। आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही होगा और जहाँ जहाँ हम गए, जहाँ जहाँ हम रहे, मतलब बहुत ही मोर देन एक्सपेक्टेशन जो है एटमॉस्फेयर मिला हमें, हम रहे इतना प्यार मिला हमें, तो उन सबका धन्यवाद। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।